बीजेपी प्रत्याशी भीमा मंडावी के नामांकन दाखिले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी पहुंचे। मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंच आशीर्वाद लिया, फिर गाजे बाजे के साथ डीजे की धुन पर थिरकते रैली निकालकर अपना नामांकन का दूसरा सेट दाखिल किया। पिछले चुनाव में हार के बावजूद दंतेवाड़ा विधानसभा सीट से तीसरी बार भीमा को प्रत्याशी बनाया गया है। भीमा विकास को लेकर जनता के बीच जाएंगे और बागी प्रत्याशियों को मना लेने की बात कही। अर्जुन मुंडा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि वो 2003 में परिवर्तन यात्रा के समय दंतेवाड़ा आए थे, इसके बाद दोबारा आ जाए हैं। इस बीच दंतेवाड़ा में काफी बदलाव आया है, सड़क शिक्षा हर क्षेत्र में जिला बहुत विकास किया है, पूरे छत्तीसगढ़ में विकास हुआ है, इसलिए लगातार राज्य में बीजेपी सरकार है और जनता इस बार भी विकास के नाम पर राज्य में बीजेपी की सरकार चुनेगी। दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी भीमा के लिए जीत आसान नजर नहीं आती। टिकट न मिलने से बागी हुए जिला पंचायत सदस्य चौथराम अटामी ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है और किसी भी कीमत पर नाम वापस न लेने पर अड़ी हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष कमला नाग उनके साथ खड़ी हैं, तो जिला पंचायत के सात सदस्यों के साथ होने का दावा चौथराम अटामी कर रहे हैं। मुद्दा है विकास, विकास हमने विकास किया है, उसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जाएंगे। कौन सी विपक्षी पार्टी के साथ मेन मुकाबला नजर आ रहा है? देखिए भैया, इस देश में कांग्रेस को खत्म करना है, हमारा मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस। इस बार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कोई भी पार्टी इस दुनिया में क्या इस दंतेवाड़ा में भी टिक नहीं सकती। चैत्रा मटामी जी कितना नुकसान करते हैं? देखिए चैत्रा मटामी जी वापस आएंगे, चर्चा हो गई है निश्चित रूप से। चैत्रा मटामी है राजेश कश्यप, इन्होंने फॉर्म लिया, इनसे चर्चा हो गई है, वापस आ रहे हैं? ये सरपंच संघ का फॉर्म हमारे पास ही है, वो भरे भी नहीं। अच्छा, मटामी जी से बात हो गई, वापस ले जी।